दिल्ली के केरल हाउस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि केरला में जिस तरह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में केरल हाउस के बाहर एबीवीपी का ये प्रदर्शन है और वामपंथ के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से केरला में एबीवीपी के छात्र संगठन जो है उसको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन है और इसी तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं पूरे केरल में भी आज चलाया जा रहा है और एक केरल हाउस पर भी इस तरह का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश है कि लगातार जिस तरह से छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का प्रदर्शन है ये? देखिए, केरल जो गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है, इतना खूबसूरत भारत का एक प्रदेश, वहां पर वामपंथी हिंसा के माध्यम से राष्ट्रवादियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज केरल में जब एबीवीपी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ता वहां पर चलो केरला मार्च कर रहे हैं, तो इसी समय यहां पर हम ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ये केरल भवन पर है। हम यही कहना चाहते हैं कि केरल में बहुत हो गई वामपंथी हिंसा, हिंसा के माध्यम से आप हमारे विचारों को नहीं रोक पाएंगे। पिनाराई विजयन की सरकार जब से आई है तब से केरल में खूनी खेल खेला जा रहा है, राष्ट्रवादी लोगों को मारा जा रहा है वहां पर, ये अब रुकना चाहिए। यानी कि किसी तरह से हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा। भारी तादाद में जो है वो छात्र संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और जो वहाँ पे हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे शांतिपूर्वक तरीके से हम इसमें धरना कर रहे हैं और इसमें हमारा सिर्फ केवल एक ही मैसेज देना, जिस प्रकार से वामपंथी सरकार और वामपंथी कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरता से मार रहे हैं, ना कि सिर्फ केरल में, जहां जहां पे इनकी सरकार है, जहां जहां पे इनकी इन्फ्लुएंस है, बुरी बर्बरता के साथ बुरी तरह हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, ना बल्कि मारने के बाद उनके सबको सदविकसित कर रहे हैं। उसके बाद में हम कहना चाहेंगे, हमारा केवल एक ही मैसेज है, आप लोग शांति से मानेंगे तो ठीक, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास भी वो हथियार है, जिस तरीके से आप अपने हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, अगर हमारे ऊपर बात आई तो हम भी अपनी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से एपी छात्र संगठन को निशाना बनाया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये कुल मिलाकर मैसेज देने की कोशिश है एपी छात्र संगठन की।